आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान, आध्यात्मिक चिकित्सा से ही मानसिक बीमारियों का इलाज। TSDC कॉलोनी, कोतवाली रोड, आशीर्वाद एनक्लेव, डेरा खास, देहरादून 248001। टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 1800121 1526। आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान। खबर अररिया जिले से है। यहां फफूंद थाना क्षेत्र के चुआ गांव में मामूली विवाद पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे युवक पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दिनेश का नाम, युवक का नाम जुआ गांव में दुकानदार कमल निगम के पास गया था। पैसे के लेन देन में कोई विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी दुकानदार कमल ने ग्राहक दिनेश के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्रकार से आरोपी दुकानदार दिनेश के ऊपर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और आखिर में सिर पर लाठी मारने के कारण वह बेहोश होकर गिर गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई दिनेश नाम का व्यक्ति था जो बैग लेने के लिए एक कमल निगम नाम के व्यक्ति के दुकान पर गया था और वही कुछ पैसे के लेन देन को, खरीदारी में पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ तूतुमे इन दोनों में हो गई। तभी दुकानदार ने जो है वो इस ग्राहक को के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और पुलिस ने उसको संज्ञान लेकर के इसका FIR पंजीकृत की है और आरोपी को जो है वो उचित धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।